हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंसों के बारे में। क्वेश्चंस देख रहे थे, उनके आंसर्स और व्याख्या भी कर रहे हैं उनकी थोड़ा डिटेल के साथ। ठीक है, तो ये था आपका छः, हम लोग खत्म कर चुके हैं छः टेस्ट अभी तक, ये है आपका सातवां। ठीक है, याद रखिए आपके जितने भी टेस्ट खत्म होते जा रहे हैं, जनरल स्टडीज के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं। ठीक है, यह है आपका सातवां। ठीक, क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है, यह आपका गलत है। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पक्की ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं, ये सही है। ठीक, बता दें हड़प्पा संस्कृति में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार एक महत्वपूर्ण स्थान है, जबकि सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल अन्नागार। ठीक है, अन्न रखने का घर। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, तो इसमें केवल दो है। ठीक है, सही, याद रखिए स्नानागार स्नानागार नहीं है, अन्नागार है सबसे बड़ी इमारत। ठीक है, मोहनजोदड़ो। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लिंग पूजा, पत्थर की मोहरें, अश्व केंद्रित सभ्यता, चावल की खेती, उपयुक्त में से कौन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? तो ये लिंग पूजा भी है, फिर आपकी पत्थर की मोहरें, चावल की खेती, अश्व केंद्रित सभ्यता नहीं है ये, तो इसमें होगा आप सी ऑप्शन, 1, 2, 4 कथन आपका सही है। याद रखिए हड़प्पा संस्कृति में लिंग पूजा, पत्थर के चित्रित मोहरें तथा गुजरात के लोथल में चावल की खेती के साक्ष्य पाए गए। अश्व के अस्तित्व के संकेत मोहनजोदड़ो से पाए गए जाते हैं, किंतु उसके कालक्रम में निश्चितता नहीं है, अतः हड़प्पा सभ्यता को अश्व केंद्रित नहीं माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, तीन, कौन सा, तीसरा, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। महापाषाणिक लोग उन्नत कर सकते, महापाषाणिक काल की कब्रों में अस्थियों के साथ मृदभांड और लोहे की वस्तुएं पाई गई, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, सही नहीं है, एक कथन सही नहीं है, दूसरा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें केवल एक होगा। महापाषाण काल में कब्रों को बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घेर दिया जाता था, इन कब्रों में दफनाए गए लोगों की न केवल अस्थियां मिली बल्कि मृदभांड व लोहे की वस्तुएं भी मिली। इसमें महापाषाण काल की कब्रों में खेती के औजार कम पाए गए, लड़ाई और शिकार के हथियार अधिक पाए गए, इससे यह ज्ञात होता है कि इस काल के लोग कृषि के क्षेत्र में उन्नत नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 4, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार पश्चिम में सूत कांगेडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक, उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद तक था, सही बात है। आगे कथन है, हड़प्पा इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, ये गलत है, तो इसमें केवल एक कथन आपका सही है। सिंधु घाटी सभ्यता ताम्रकालीन संस्कृति से काफी पुरानी है, यह पश्चिम में सूतकांगेडोर से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तथा जम्मू कश्मीर के मांडा से महाराष्ट्र के दाइमाबाद तक फैली थी। सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र त्रिकोणीय रूप में था, यह लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह उत्तर से दक्षिण की दूरी लगभग 1100 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की दूरी तकरीबन 1500 किलोमीटर थी। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। ठीक, क्वेश्चन नंबर पाँच है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन से अपनी वर्तमान अवस्थिति से सही सम्मिलित हैं?
नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ये स्थल है आपके, ये वर्तमान स्थिति है, तो इसमें लोथल, कैम्बे की खाड़ी सही है, कालीबंगन, हरियाणा के सार ये गलत है, धौलावीरा आपका गुजरात का कच्छ है, ठीक है, तो इसमें होगा आपका दो गलत है, एक और तीन सही है, तो इसमें सी ऑप्शन। लोथल या गुजरात में कैम्बे की खाड़ी पर स्थित एक प्राचीन सिंधु स्थल है, जहाँ कभी प्राचीन सिंधु घाटी के लोगों सहित अन्य प्राचीन सभ्यता के साथ व्यापार फैला हुआ था। और कालीबंगन है जो ये उत्तर पश्चिम भारत के उत्तरी राजस्थान में स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है, यहाँ हड़प्पा पूर्व हड़प्पा दोनों समय के अवशेष मिले हैं, ठीक है। और जो आपका धौलावीरा है गुजरात के कच्छ जिले के खड़ी क्षेत्र में ठीक है स्थित है, याद रखना कालीबंगन आपका राजस्थान में है। क्वेश्चन है आपका सिक्स, कौन सा है सिक्स, छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के सुरकोटदा और धौलावीरा के बड़े में बड़े बड़े द्वार थे, सही है। वनावाली में सड़कें ना तो सीधी थी ना ही एक दूसरे के को समकोण पर काटती थी, दोनों सही है, सी ऑप्शन सही होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन है सातवां, निम्नलिखित में से कौन सी धातु में सिंधु घाटी सभ्यता के पुरा अवशेषों से नहीं पाई गई, पुरा अवशेषों में, तो इसमें याद रखिए ना तो लोहा पाया गया और ना ही पीतल पाया गया, ठीक है, कांसा पाया गया, ठीक है, तो इसमें होगा आपका एक और दो, याद रखिए कांसा आपका सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया। हड़प्पा के निवासियों द्वारा ताम विशुद्ध रूप में सर्वाधिक उपयोग की जाती थी, इसके अलावा सोना चांदी आर्सेनिक कांस और टिन कांस सीसा एंटीमनी और निकेल जैसी धातुओं भी इस्तेमाल की जाती थी, यहाँ लोहे और या पीतल से बनी कोई भी चीज़ नहीं मिली हुई है, ठीक है। क्वेश्चन है आठ, सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ सपाट एवं सजावट वाले दोनों तरह के मृदभांड पाए गए, सही है। सजावटी बर्तनों पर लाल गेरुआ रंग की पारदर्शी परत का लेप होता था, यह लाल गेरुआ फारस की खाड़ी में स्थित हॉर्मुज से आती थी, ये भी सही है, यानी कि सी ऑप्शन होगा, दोनों कथन आपके सही है। क्वेश्चन है आपका नौ, अगला क्वेश्चन नौवा हुआ, ताम्रपाषाणिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है, इस काल में तांबे और किसी किसी अवसर पर निम्न कोटि के कांस का उपयोग देखने को मिला है, सही है। इस काल में कृषि की जाती थी, ये भी सही है। भारत में इस काल की सबसे पुरानी बस्तियां मालवा और मध्य भारत में पाई गई, ये भी सही है, आपके तीनों कथन सही है, ठीक है, क्या होगा डी ऑप्शन नौ का। क्वेश्चन नंबर दस है, ऋग्वेदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। समुद्र देवता सोम, वनस्पति के अधिपति मारुत, वायु के देवता वरुण, उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सम्मिलित नहीं है, तो तीनों सही सम्मिलित नहीं है, सही सम्मिलित क्या है याद रखिए, समुद्र के देवता आपके वरुण थे, समुद्र के देवता कौन थे वरुण, वनस्पति के अधिपति कौन थे सोम, वनस्पतियों के अधिपति कौन थे सोम, वायु के देवता थे मारुत, याद रखना समुद्र के देवता आपके वरुण, वनस्पतियों के अधिपति सोम, वायु के देवता आपके मारुत थे, ठीक है। क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुरु दो आय कबीलों का सम्मिलित रूप था, सही है। उत्तर वैदिक काल के लोग पक्की ईंटों के प्रयोग से भली भांति परिचित थे, ये गलत है, इसमें कथन एक सही है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों के अनुसार गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र में आर्यों का विस्तार था, दो प्रमुख कबीले भरत और पुरु मिलकर कुरु कहलाए, आरंभ में लोग सरस्वती और दुरस्वती नदियों के समीप बसते थे,
की कुरुओं द्वारा दुआब के ऊपरी भाग पर अधिकतर अधिकार कर लिया गया था, जिसे कुरुक्षेत्र के नाम से जाना गया। उत्तर वैदिक काल के लोग पक्की ईंटों के प्रयोग से भली भांति परिचित नहीं थे, क्योंकि हस्तिनापुर की खुदाई में मिली कच्ची संरचनाओं ना भव्य हैं और ना ही टिकाऊ। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 12। महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर आपको विचार करना है। ये आपकी महाजनपद है और ये आपकी राजधानी है, तो इसमें सही सम्मिलित नहीं है। पूछ रहा है कौन सही सम्मिलित नहीं है। अंग, अंग आपकी उज्जैन में नहीं है। ठीक है, उज्जैन नहीं थी अंग की राजधानी, चंपा थी। ठीक है, तो एक गलत है आपका। ठीक, मगध की आपकी राजगृह थी, सही है। कौशल श्रावस्ती थी इसकी राजधानी, वत्स कौशाम्बी थी। तो याद रखिए अंग की राजधानी चंपा थी, ना कि उज्जैन। ठीक है, तो इसमें होगा केवल एक सही नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में आपने सुना होगा संसद ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक 2018 पारित किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से पहले किसी आरंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है, सही है। अधिनियम के अंतर्गत अपराध का आरोपी केवल उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। एक गलत है आपका, तो इसमें केवल एक कथन आपका सही है। क्या है? अधिनियम के अधीन संशोधन विधेयक में मूल अधिनियम की धारा 18 के तहत 3 नए खंड शामिल किए गए जो निम्नलिखित हैं। अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिक दर्ज करने से पहले आरंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत अपराध का आरोप लगे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए किसी अनुमोदन या मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। अग्रिम जमानत से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इनमें जुड़े मामलों में मान्य नहीं होती है। अधिनियम में कहा गया है कि अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने का आरोपित व्यक्ति किसी भी न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 2018 की है। ठीक है, अभी आई नहीं है। नहीं, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सहयोग से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, सही है। यह शहरों के सॉरी गलत है क्या है गलत है यह शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर का आकलन करता है, ये भी आपका गलत है। इस सूची में कोलकाता को दूसरे स्थान पर रखा गया है, ये भी गलत है, सही नहीं है। पूछ रहा है ना, तीनों आपके सही नहीं है। अब सही क्या है वो याद रखना है आपको। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स आपका आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने देश भर के शहरों में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया है। किसने? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। मंत्रालय द्वारा केवल शहरों में विभिन्न पैरामीटर यथा संस्थागत सामाजिक आर्थिक भौतिक आदि पर आधारित जीवन की गुणवत्ता का अध्ययन कराया गया है। शीर्ष सभी 3 शहरों में महाराष्ट्र से हैं, पुणे शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद नई मुंबई, फिर आपकी ग्रेटर मुंबई, पहले पुणे याद रखना, फिर आपकी नवी मुंबई, फिर है ग्रेटर मुंबई। ठीक है, वह सबसे निम्न स्थान वाले शहरों में है बिहार, आप बिहार में पटना, नागालैंड में आपका कोहिमा और उत्तर प्रदेश में रामपुर। ठीक, मंत्रालय द्वारा दिए गए सर्वेक्षण में 111 शहरों को शामिल किया गया था। पश्चिम बंगाल ने अध्ययन में भाग लेने से इनकार कर दिया था, इस प्रकार इस अध्ययन में कोलकाता का आकलन नहीं किया गया, इसलिए इसे कोई भी स्थान नहीं दिया गया। ठीक है, अब आपका है क्वेश्चन 15। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पांडुलिपि की मिशन की स्थापना की, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। इसका लक्ष्य पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करना है, सही है।
शोधकर्ताओं तथा छात्रों को पांडुलिपि उपलब्ध कराने हेतु एक विश्वसनीय डिजिटल रिपोजिटरी का प्रयोग किया जाएगा इसमें। सही है, तो इसमें आपके दोनों कथन सही हैं। याद रखिए आपके दोनों 15 में सी होगा, एक और दो दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन है 16। अगला क्वेश्चन है आपका 16। हाल ही में समाचारों में रहे गगनयान मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह भारत का पहला अंतरिक्ष मानव मिशन है जिसके वर्ष 2022 में विक्षेपित होने की उम्मीद है। सही है, अब तक केवल अमेरिका ने अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजा है। ये आपका गलत है, इसमें आपका केवल एक सही है। दूसरा कथन सही क्या है दूसरे कथन में? याद रखिए अब तक रूस अमेरिका चीन, याद रखना क्या क्या, रूस अमेरिका चीन ने अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजे हैं। भारत इस प्रस्तावित मिशन के सफल प्रक्षेपण के बाद देश ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। पहले से कौन कौन है? रूस अमेरिका चीन। याद रखना भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान का नाम गगनयान रखा गया है। देश की आज़ादी की 75वें वर्ष यानी कि 2022 में इसको प्रक्षेपित किए जाने की उम्मीद है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 17। साथी पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सही है? साथी पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह वस्त्र मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय की संयुक्त पहल है। सही है आपका, बिजली करघा क्षेत्र में ऊर्जा प्रभावी वस्त्र प्रौद्योगिकियों के टिकाऊ एवं त्वरित अंगीकरण के लिए इसकी शुरुआत की गई। ये भी सही है, यानी कि आपके दोनों कथन सही हैं। क्या है? दोनों कथन आपके सही हैं। 17 का सी होगा। ठीक है, याद रखिए इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देते हैं सबकी। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करते रहिए और देखते रहिए उसे। क्वेश्चन है 18। हाल ही में बोलवाचिया बैक्टीरिया समाचारों में था, किस संदर्भ में था ये? तो याद रखिए बी ऑप्शन होगा, मच्छरों को मनुष्यों में डेंगू वायरस संचारित करने से रोकने के लिए। बी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन है आपका 19। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार ही करना है। राष्ट्रीय REDD रणनीति का उद्देश्य वन संरक्षण को प्रोत्साहन करके जलवायु परिवर्तन को कम करना है। सही बात है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोकने में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपके दोनों कथन सही हैं। क्या है? दोनों कथन सही हैं। फिर अगला का क्वेश्चन है 20। पार्कर सौर प्रोब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह सूर्य के वायुमंडल और उसके बाह्य वातावरण से का अन्वेषण करेगा। सही है, इसका नाम उस सौर भौतिक विज्ञानी के नाम पर रखा गया है जो सौर वायु का वर्णन करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। सही है, गुरुत्वाकर्षण की सहायता प्राप्त करने के लिए यह शुक्र की सात फैलाई वाई करेगा। ये भी सही है, यानी कि डी ऑप्शन आपका 20 का डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 21। क्या है? जैसे कि आपको पता है 18वां वियतनाम में कौन सा, वियतनाम में हिंद महासागर सम्मेलन का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है, और चौथा आपका हुआ है कहाँ? माले में। ठीक है, मालदीव में। चौथे के बारे में बात करेंगे हम लोग फोर्थ नंबर के सम्मेलन में, पहले तीसरा देख लें हम लोग। ठीक, इस सम्मेलन का विषय निम्नलिखित में से क्या था? तो आपको बता देना है, क्षेत्रीय वास्तुकला का निर्माण। ये ऑप्शन सही था, और याद रखिए आपका जो माले में आयोजित हुआ है चौथा हिंद महासागर सम्मेलन, इसमें आपके एस विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। ठीक है, और इसका विषय है सिक्योरिंग द इंडियन ओशन रीजन, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेज। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 22। इम्प्रिट इंडिया पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्या है? इम्प्रिंट इंडिया पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है?
तो पहला कथन है इसका, इसका लक्ष्य भारत में प्रासंगिक इंजीनियरिंग चुनौतियों का समाधान करना है। सही बात है। इम्प्रिंट का उद्देश्य ज्ञान को व्यवहार प्रौद्योगिकी में परिवर्तन करना है। ये भी सही है। इम्प्रिंट का संचालन केवल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है जाए, तो ये आपका गलत है। क्या है? तीसरा गलत है। इसमें एक और दो कथन सही है। तीसरा सही क्या है? तीसरे कथन का जो एम इम्प्रिंट MHRD और DST से योजना के संचालन के लिए संयुक्त साझेदार हैं। ठीक है, कौन कौन से? MHRD और DST इस योजना के संचालन के लिए संयुक्त साझेदार हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 23। आईसी सेट 2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? यह पृथ्वी की ध्रुवीय बर्फ को की मोटाई मात्रा में परिवर्तन को मापने के लिए इसके द्वारा निर्मित उन्नत लेजर उपकरण है। यह आपका गलत है। यह समुद्री तल में वृद्धि का के कारणों को समझने में सहायता करेगा। ये सही है। सही नहीं पूछा ना, तो इसमें केवल एक होगा आपका। नासा पृथ्वी के ध्रुवीय बर्फ की ऊंचाई में परिवर्तन को मापने के लिए सबसे उन्नत लेजर उपकरण लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस उपकरण का नाम है द आइस क्लाउड एंड लैंड एलिवेशन 2। ठीक है, यह उपकरण ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका को कवर करने वाली बर्फीली भूमि की वार्षिक औसत ऊंचाई में परिवर्तन की माप करेगा। आईसीई सेट की नई अवलोकन प्रौद्योगिकी समुद्र स्तर की वृद्धि में ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ सीट के योगदान की समीक्षा करेगी। ठीक है, क्वेश्चन है 24। राष्ट्रीय वन्यजीव अनुवांशिक संसाधन बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह बैंक भारतीय प्रजातियों की अनुवांशिक सामग्री को संग्रहित करेगा। सही है। यह बैंक पशु प्रजातियों के विलुप्त होने की स्थिति में उन्हें पुनर्जीवित करने में मदद करेगा। ये भी सही है आपका। ठीक है, दोनों कथन आपके सही हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका 25वां। हाल ही में शब्द होराइजन 2020 समाचारों में था, किससे संबंधित था? तो ये था, यह यूरोपीय संघ के अनुसंधान एवं नवीकरण का औद्योगिक नेतृत्व और सामाजिक चुनौतियों से निपटने हेतु तो विज्ञान आधारित सबसे बड़ा कार्यक्रम है। ठीक है, 7 वर्षों के लिए यानी कि 14 से 2020 के लिए $80 बिलियन की फंडिंग के साथ उपलब्ध यह यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा अनुसंधान और अभिनय कार्यक्रम है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। तो ये थे आपके 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है।